الذي ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله الله التواب الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رحمت بھرا مہینہ ان قریب ہمارے سروں پہ آنے والا ہے. اللہ ہر مسلمان کو اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کا ادب، اس کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جتنے اس کے حق ہیں اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ اس کی عزت کرنے کی توفیق دے. پھر دوستو، ہمارا دین صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ معاشرت، معیشت اور ایک خاندان کا نظام ہمیں ہمارا دین دیتا ہے.
बेशक आज इबादत के लिहाज से हमारी मस्जिदें मदरसे हमें भरे हुए नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो निजाम मुआशरत है मिलजुल के रहने वाला वो इतना कमजोर होता चला जा रहा है। दिल से दो मुसलमान आपस में मिले हुए नजर नहीं आते, बेशक नमाजों में कंधे से कंधा मिला नजर आता है, पैर से पैर मिला नजर आता है, लेकिन दिल से दिल मिला हुआ नजर नहीं आता। बेशक एक इमाम के पीछे हम खड़े हैं, लेकिन अल्लाह की शान है कि हम एक नहीं होते। बरकतों वाला महीना आ रहा है, इफ्तारी सहरी तरावी, बेशक इन सारी चीजों में हम इकट्ठे बैठे हुए नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह की शान है कि आपस में एक दूसरे के साथ दिल मिले हुए नजर नहीं आते। मियां बीवी घर हैं, सौ में कोई एक बात सही मानों में हकीकी मानों में मियां बीवी के रिश्ते को कायम रखे हुए है, सौ में से 99 या तो सिर्फ रियाकारी है या सिर्फ ऊपर ऊपर से मिल बैठना है, अंदर से उनके भी दिल मिले हुए नजर नहीं आते। वो दुआ करता हुआ नजर आता है कि कब इससे जान छूटेगी, और वो दुआ करती भी नजर आती है कि कब ये मरेगा, कब इससे जान छूटे। बच्चे भी हो रहे हैं, लेकिन वो जो एक रिश्ता है, वो जो एक ताल्लुक है, वो नापैद होता चला जा रहा है। औलाद मां बाप के साथ बैठी तो नजर आती है, मां बाप भी औलाद के साथ बैठा हुआ नजर आता है, लेकिन उधर से अदब और एहतराम का रिश्ता और इधर से प्यार और मोहब्बत का रिश्ता वो खत्म होता चला जाता है। जाहिर तौर पे है, यही हाल हमारी नमाजों का है, यही हाल हमारी पीरी मुरीदी का है, यही हाल हमारा उस्तादी और शगिर्दी का है, यही हाल हमारा बड़े और छोटे का है, यही हाल हमारी नमाज का। कुछ चीजें जाहिर में नजर आती हैं, कुछ चीजें सुनने में आती हैं, कुछ घरों की शिकायत आती हैं, जिससे मैंने मुनासिब समझा कि आज थोड़ा समय अपना वो मौजू जो हमेशा से मेरा हजरात से चल रहा है जुमे के बयान, बेशक बातें वो भी आ जाएंगी उसमें, थोड़ा सा मुआशरत का कि सिर्फ दीन हमारा नमाजों का नाम नहीं, और इत्तेफाक ऐसा है, नाराज नहीं होना मेरी इस बात कि मुआशरत के निजाम में सबसे ज्यादा गला सड़ा भी वही बंदा है जो नमाजें ज्यादा पढ़ रहा है, जो अपने आप को दीनदार कहता है,
जिसने हमेशा अपने सर पे टोपी पगड़ी और दाढ़ी भी रखी, वो इस निजाम मुआसरत से ज्यादा कटा हुआ नजर। खास तौर पर मां बाप से, दूसरे नंबर पर दूसरे मुसलमान से, तीसरे नंबर पर अपने बीवी बच्चों से। वो बजामे खेश अपने आप को अगर अब्दुल कादिर गिलानी नहीं समझता तो अपने आप को उनसे कम भी नहीं समझता। अगर वो अपने आप को जुनैद बगदादी नहीं समझता तो वो उनसे अपने आप को कम भी नहीं समझता। ये बीमारी इतनी बढ़ती चली जा रही है, डर लगता है अल्लाह से कि कहीं ऐसा ना हो। पहले भी निशानियां तो हैं कि हम सारे अल्लाह के अजाब में मुबतला हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मजीद जाहिरी तौर पर अल्लाह के अजाब ऐसे आते हुए नजर आए कि जिनके बारे में हम रहमो गुमान भी नहीं कर सकते। मस्जिद मरसिया कहां है कि नमाजी ना रहे, ये कहीं कहीं ये शिकायत है, और कहीं कहीं होती है नमाजी तो बहुत हैं लेकिन अभी तक उनके अंदर नमाज नहीं उतरी। जो नमाज के मुतालबात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है, नमाज के लिए जब खड़े होते हो तो कंधे से कंधा आपस में मिलजुल कर खड़े हो जाओ कि इसकी बरकत से अल्लाह पाक तुम्हारे दिलों को मिलाता है। अब ये फरमान तो गलत हो नहीं सकता, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। इमाम भी हर नमाज से पहले हर जुमे आपसे कहते हैं कंधे से कंधा मिलाओ, लेकिन क्या वजह है कि ये चीज हमारे अंदर अभी तक नहीं आ रही कि कंधे से कंधा मिलाने से हमारा दिल मिल रहा है कि नहीं। नफरतें मिट रही हैं कि नहीं, बल्कि बढ़ती चली। मेरा ख्याल है कि आज घर से घर इतना नहीं लड़ रहा जितनी मस्जिद मस्जिद से लड़ रही है। गली में इतनी लड़ाई नहीं जितनी मेहराब से मेहराब की लड़ाई है। पुराने वक्तों में मोहल्ले में शहर में एक मस्जिद होती थी, मुसलमान जुड़े हुए होते थे, अब एक गली के अंदर 10 मस्जिदें बन गई हैं, आपस में लड़ाइयां। और हर बंदा अपनी मंशा अपनी मर्जी की मस्जिद बनाने में लगा हुआ है, हर बंदा अपनी मर्जी अपनी मंशा के मसले बनाने में लगा हुआ है, हर बंदा अपनी मर्जी को चलाने और मनवाने में लगा हुआ है। वो जो मोमिन एक ईमान वाला जिसका माना ये भी बनता था कि ये मान के चलेगा, वो मान के चलने वाला जज्बा मेरे अंदर भी नहीं रहा और आपके अंदर भी नहीं, और हर मुसलमान के अंदर से निकलता चला जा रहा है कि मैं दूसरे की मान के चलूं। कुरान जहां हजारों जगह पे अपने वर्कों में ये चीजें हमारे सामने वजाहत से बयान करता है, वही एक पूरी सूरत है कुरान पाक की जिसको सूरह हुजरात कहा जाता है। कभी अल्लाह पाक मौका दे आप हजरात को, 20वें सिपारे में आती है सूरह हुजरात,
सूरह फतहा के बाद और सूरह काफ से पहले, जिसको सूरह हुजरात कहा जाता है। हुजरात का माना हुजरे है, और यहां इन हुजरात से मुराद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाजे मुतहरात थी, जो आपकी बीवियां थी, जो हमारी माएं थी, उनके हुजरात और उनके हुजरे मुराद। लेकिन आम तौर पर उलमाए किराम ने इस सूरत के मानी और मतालिब के अंदर हमारे आजकल के हुजरात भी, आप इसको भी हुजरा कह लें, आप इसको भी हुजरा कह लें, या वो हुजरा जिसके अंदर हमारी 24 घंटे की जिंदगी गुजरती है, जिसको दुकान कहें, दफ्तर कहें या घर कहें, वो तमाम मामलात जो हुजरात के अंदर होते हैं, उन तमाम मामलात को अल्लाह पाक ने सूरत के अंदर बयान किया। और मेरी एक बात जहन में शुरू में रख लें कि हमारा दीन सिर्फ नमाजों का दीन नहीं, बल्कि मैं अगर इससे भी बढ़कर बात कहूं तो ये नमाजों से भी आगे ज्यादा मुआमलात का दीन है। हमारी फिका की जो किताबें हैं, अहादीस की जो किताबें हैं, आप हैरान होंगे कि 25% वो किताबें सिर्फ अकायद को बयान करती हैं, और उन्हीं अकायद के बयान में नमाज का भी, रोजे का भी, हज का भी, जकात का भी बयान आ जाता है, सिर्फ 25%। और 75% हमारी हदीस की किताबें और हमारी फिका की किताबें मुआमलात को बयान करती हैं। तिजारत किस तरह करनी है, बोल चाल किस तरह करना, निकाह तलाक क्या है, मां बाप औलाद और पड़ोसी और बीवी के हक क्या हैं, दूसरे रिश्तेदार के हक क्या हैं, सलाम क्या है, आपस में प्यार और मोहब्बत क्या है, बीमार क्या है, बीमार की इयादत क्या है, ये जो मसाइल हैं जिन्हें मुआमलात के मसाइल कहा जाता है, अहादीस की किताबें, फिका की किताबें 75% इनको बयान करती हैं, और 25% अल्लाह और उसके रसूल नमाज हज और ज़कात का बयान, जिससे मालूम होता है कि हमारा दीन मुआमलात का ज्यादा दीन। और दुख यह होता है कि हम मिंबर पर बैठकर दूसरे मसाइल को बयान करते हैं, बिलखसूस लड़ाई झगड़े वाले को बयान करते हैं, लेकिन जो मुआमलात वाला दीन है वो हमारे मिंबरों से बयान नहीं होता है, तो बहुत कम होता है, और जो कम होता है वो भी या कहने वाला खुद उसका चोर होता है, या सुनने वाले सुनकर उसको सुनना भी गवारा नहीं करते, और उस पर अमल पैरा होने की भी कोशिश नहीं करते। ये दुख वाली बात है। इस सूरत हुजरात के अंदर अल्लाह पाक ने पूरी सूरत में अव्वल से लेकर आखिर तक, पूरी सूरत के अंदर इन्हीं मसाइल को बयान किया। सबसे पहले इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से अपने आप को बड़ा कभी मत समझो, अल्लाह और उसके रसूल की बातों से अपनी बात को बड़ा कभी मत समझो, अल्लाह और उसके रसूल की बात पर अपनी बात को कभी ना मारो, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के ऊपर अपनी मर्जी को कभी मत ठोसना, और अल्लाह और उसके रसूल की बात के सामने कभी हीलो हुज्जत मत करना,
अल्लाह और उसके रसूल की बात को हमेशा आखिरी बात समझना, अपनी बात को कमतर समझना और अल्लाह और उसके रसूल की बात को हमेशा मानने की कोशिश करना, अपनी बात को मनवाने की कोशिश नहीं करना, ये सारे माने इस एक आयत के टुकड़े के मिल जाते। आज हर खतीब, हर आलिम इल्ला माशाअल्लाह, हर हाजी, हर नमाजी, बल्कि मैं यूं कहूं कि हर मुसलमान इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल की बात पर अपनी बात को बड़ा समझता। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, वो आप सारे समझते हैं इस बात कि जब मेरे सामने अल्लाह और उसके रसूल की बात आती है, मेरा नफ्स मुझे वो करने नहीं देता, वो उस पर अमल नहीं करने देता। इसका क्या मतलब होता है? वो यही मतलब होता है कि मेरी तबीयत, मेरी फितरत, मेरी आदत, मेरी बात इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं मालूम होता है? कि ये बात छोटी, वैसे जिंदगी में अगर ये मेरी बात आपको समझना है तो शादी ब्याहों के मौका पर ये बात आपको मेरी बखूबी समझ आ जाएगी कि जब मैं अल्लाह और उसके रसूल की कोई बात मानने को तैयार नहीं होता, हर वो बात मैं करता हूं शादी ब्याह और जिंदगी के मामलात में जो अल्लाह और उसके रसूल के बिल्कुल मुझे मुखालिफ ले जाती है, इसका मतलब क्या होता है? यही होता है, ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से अपने आप को आगे कभी मत समझो। बल्कि मैंने कई बार आपसे ये बात भी कही कि एक बुजुर्ग ने जब अपने शागिर्द, अपने मुरीद खिलाफत के काबिल समझे तो नसीहत करते हुए कहा कि अपने आप को कभी खुदा न समझना और अपने आप को कभी रसूल न समझना। शागिर्दों और मुरीदों ने कहा कि पीर मुहतरम कौन बेवकूफ है जो अपने आप को खुदा समझेगा, तो कहा नहीं, ये हर एक के अंदर नफ्स है और वो उसे खुदा बना देता है। कहा हम नहीं समझे, तो पीर साहब ने कहा कि जब तुम ये समझोगे कि मेरी बात आखिरी बात है, यही तो खुदाई का दावा है, आखिरी बात सिर्फ अल्लाह की है, आपकी और मेरी नहीं। जिस बंदे ने ये समझा कि मेरी बात आखिरी है, मेरी ही बात आखिरी है, मेरी बात पर कोई बंदा बात को पेश नहीं कर सकता, बस जो मेरे मुंह से निकल गया निकल गया, इसे हरफे आखिर समझो। जो आप और मैं घर बैठे कभी कभी अपनी औलाद पर भी करते हैं, अपनी बीवियों पर भी करते हैं, रिश्तेदारों और बिरादरियों में भी करते हैं, मेरी बात को आखिरी बात समझना, इसके बाद कोई और बात नहीं होगी, यही खुदाई का दावा। जो इंसान खुद कमजोर है, जो इंसान खुद एक नापाक नुतफे से बना है, कभी अपनी हकीकत की तरफ अगर हो जाए, मैं और आप कभी सड़क पे जाते जाते फंस जाए तो यकीन जानिए हमारे अंदर से इतनी बदबू उठेगी कि हमारे पास वो बंदा खड़े होने को तैयार नहीं होगा। ये जो बदबू का ढेर लेके चलता है, जब आप और मैं टॉयलेट में बैठते हैं तो अपनी हालत को देख लिया करें, कभी कभी कुछ मनचले लोग, बेवकूफ लोग, ये बेवकूफी होती है। अपने मुल्क में आप जाए तो लोग टॉयलेटों के अंदर बड़ी अजीब बातें लिखते हैं दीवारों के ऊपर, पागलपन है। लेकिन कभी कभी एक बात लिखी हुई होती है, एक दो दफा मैंने भी पढ़ा, आपने भी कहीं पढ़ा होगा, लिखा होता है, यहां बड़ों बड़ों की निकल जाती, तो क्या चीज है? उस लहजे में बैठकर सिर्फ इंसान ये सोचे कि मेरी हकीकत क्या है,
अब वो बंदा अगर ये दावा करे कि मेरी बात आखिरी बात है, जो हर वक्त अपने पेट के अंदर कितने किलो के हिसाब से गंद लेके घूमता हो, जिसका खून निकल जाए तो शरीयत कहती है वुजू टूट गया है, जख्म से पीप निकल आए तो शरीयत कहती है वुजू टूट गया है, जिसका खून भी इतनी गंदी चीज है, पेशाब का एक कतरा निकल जाए तो शरीयत कहती है वुजू टूट गया है, मनी का एक कतरा निकल जाए तो शरीयत कहती है गुस्ल भी फर्ज हो गया, ये इतना पलीत हो गया, इतनी गलाजतों से भरा हुआ बंदा अगर ये दावा करे कि मेरी बात आखिरी बात है, इससे बड़ा भी कोका मक्कल हो सकता है। हम फिरौन और निमरूद को रोते हैं कि उन्होंने खुदाई का दावा किया, वो जालिम थे, उन्होंने सीधा कह दिया हम खुदा हैं, इसलिए शायद वो हमें याद रहे। मेरे और आपके मुंह से सीधा ये तो नहीं निकलता कि मैं खुदा हूं, इसलिए कि डर लगता है लोग मारेंगे कि खुदाई का दावा कर रहा है, लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि मेरी बात आखिरी बात है तो इसके अंदर भी वही खुदाई का दावा छुपा हुआ, इसके अंदर भी वही खुदाई का दावा छुपा, और ये बात सिर्फ मेरा अल्लाह कह सकता है, कोई और नहीं कह सकता। ये दावा सिर्फ मेरे अल्लाह को सकता है, किसी और को नहीं। ये शानी की बरियाई सिर्फ मेरे एक अल्लाह की है, किसी और की नहीं। इतना बड़ा दावा तो नबी ने कभी नहीं किया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने सीधा कह दिया मैं नबी हूं, या और जितने 30-40 गुजरे जिन्होंने सीधा कह दिया आप नबी हैं, काफिर हो गए। लेकिन हम भी छुपे में कभी कभी ऐसी नबूवत का दावा कर बैठते हैं, बजाहिरन तो हम नहीं कहते हम नबी हैं, लेकिन अंदर से नफ्स हमें इस चीज पर जब मजबूर करता है तो हम भी कह देते हैं कि मेरी बात सच्ची है और किसी की सच्ची है, मैं जो कहता हूं मैं सच कहता हूं। आज मैं और आप छोटे छोटे बच्चों को घर में शाम को बैठते हैं, इतने इतने बड़े झूठ बोलते हैं उनके सामने कि बेटा मैं जब दूसरी में पढ़ता था तो मैंने इतने नंबर लिए, जब मैं पांचवी में पढ़ता था तो मैंने इतने नंबर लिए, मैंने जब ये पढ़ता, और सारा झूठ होता है। हां अगर तो मैं झूठ इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा बच्चा मेरे झूठ को सुनकर जरा मेहनत करे तो फिर तो शरीयत कोई और मसला बयान कर देती है, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ मैं अपनी विड़ियाई मार रहा हूं, सिर्फ मैं अपनी बढ़ाई बयान करने में लगा हुआ हूं, सिर्फ मैं अपने आप को सच्चा बनाने में लगा हुआ हूं, मेरे दोस्तों ये भी नबूवत और खुदाई के दावे। ये या तो मेरा अल्लाह दावा कर सकता है कि वमन अस्दको मिन अल्लाह कीला, अल्लाह की बात से सच्ची बात और ज्यादा किसकी हो सकती है, वमन अस्दको मिन अल्लाह हदीसा, अल्लाह की बात से बड़ी सच्ची बात किसकी हो सकती है, या फिर वो जब दावा करता है अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, मुझसे बड़ा इंसाफ करने वाला कौन हो सकता है, ये या उसी को सजदा है, या फिर भरे चौक और भरे बाजार में नबी खड़े होकर ये दावा करे कि मेरी कौम वालों, मक्के वालों, बड़े छोटो, मैंने 40 साल की जिंदगी तुम्हारे अंदर गुजारी, सच सच बताना काबा तुम्हारे सामने है कि तुमने मुझे कैसा पाया। ये दावा सिर्फ नबी कर सकता, कोई दुनिया का बशर नहीं कर सकता, तुमने मुझे कैसा पाया। और वो भी यूं कहें कि ऐ मोहम्मद जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हमारी आंखें गलत देख सकती हैं, हमारी जुबान गलत बोल सकती है, तेरी जुबान से गलत नहीं निकल सकता। तेरी आंख जो कहेगी वो सबसे बड़ा सच होगा। और फिर इम्तिहान लेने के लिए नबी यूं कहे कि देखो तुम इधर हो, मैं पहाड़ी पे खड़ा हूं, और मैं अगर यूं कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे कैसा लश्कर आ रहा है जो अभी तुम्हारे ऊपर हमला आवर हो रहा है, तो मेरी इस बात को सुन के मान लो। अबू जहल जैसा काफिर भी यूं कहता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमारी आंखें देखें ना देखें, लेकिन जो तेरी जुबान ने कह दिया हमें मानता हूं कि पहाड़ी के पीछे लश्कर होगा जो अभी हमारे ऊपर हमलावर होगा, इसलिए कि तेरी जुबान से सच्ची जुबान मैंने आज तक दुनिया में किसी की नहीं देखी। ये सिर्फ नबी दावा कर सकते। और फिर कहा या अय्युह अल्लज़ीन आमनू, दूसरी बात कही, ऐ ईमान वालों, मुआशरत अल्लाह ने दे रहा, जीने का ढंग अल्लाह ने सिखा रहा, दुनिया में कैसे रहना है अल्लाह हमें दर्श देगा। कभी सूरत को घर पढ़िएगा, कहते या अय्युह अल्लज़ीन आमनू, ईमान वालों, इन जाअकुम फासिकुन, अगर तुम्हारे पास कोई झूठा आदमी बेनाबा है, किसी की खबर लाया, फतबयनू, पहले उसकी तहकीक कर दे, अंतुसीबू कौमन बिजहालतिन, कहीं जिहालत में इसने तो झूठ आके बोल दिया, तुम उस पर चढ़ाई कर दो जिसके बारे में आकर इसने बात कही, और बाद में पता चले कि ये सारी बात ही झूठ थी, तो फिर पछताते रहोगे, और जब चिड़िया खेत को चुग जाती हैं तो फिर पछताने से कुछ नहीं होता। पहले इसकी ताकी, उलमा ने लिखा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी एक कौम के पास सदकात ज़कात वसूल करने को भेजे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी मुकर्रर कर रखे थे जो देहातों में घूमते थे, ज़कात सदकात इकट्ठी करके ले आते, और गालिबन ये खैबर का वाकया है। जब ये उस बस्ती के किनारे पे पहुंचा तो बस्ती वाले अपनी आदत के मुताबिक, जो उनका रिवाज था, वो हथियार लगाकर तलवारें और नेजे उठाकर इसका इस्तकबाल करने आए, जो उनका रिवाज था। अब जब इस बंदे ने तलवारों को देखा और नेजों को देखा, ये समझा कि शायद ये मेरे मारने को निकला, अब ये वापस मदीने भागा और आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा मिसाला लगाकर बात करता है कि आप सुनना, मैं तो ज़कात वसूल करने गया और वो मुझे मारने आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बज़ाहिर बड़ा गुस्सा आया कि ये ईमान वाले होकर, मुसलमान होकर, बजाय इसके कि ज़कात और सदकात को अदा करते, मेरा बंदा वसूल करने के लिए गया है और वो मारने निकला है। ये जब और लोगों ने भी सुना तो दूसरों ने भी हथियार उठाए, कहा यार सुना चले लड़ाई लड़ने चलते। करीब था कि मदीने वाले भी हथियार उठाकर उस बस्ती पे हमला करने चले जाते हैं। उन लोगों में से कुछ लोगों ने मशवरा किया कि अल्लाह के रसूल का बंदा आया था ज़कात सदकात वसूल करने और रास्ते से ही हट गया, अल्लाह जाने क्या बात हुई, तो चलो किसी बंदे को भेजो कि अल्लाह के रसूल से जाकर पूछे तो सही कि वो बंदा वापस चला गया और हम ज़कातें लेते बैठे। अब ये बंदा जो वहां जाता दरबारे रिसालत में अर्ज करता है और दरबारे रिसालत से जवाब मिलता है कि तुमने तो मेरे बंदे पे तलवारें उठाई, नेजे उठाए और डंडे उठाए। अब वो बंदा मामले को समझा कि बात क्या है, उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जोर से कहने से ये तो हमारा इस्तकबाल का एक तरीका था,
कि आपकी तरफ से एक मेहमान आ रहा था, आपकी तरफ से आपका एक नुमाइंदा आ रहा था। हम तो गांव से निकलकर उसका इस्तकबाल करने आए कि बंदूकें चलाकर जैसे आज का रिवाज है डजा डजा करें ताकि लोगों को पता चले मुसलमान के घर में शादी हो रही है और बेचारे कितने ही मर जाते हैं नाजायज। ये पता नहीं मुसलमान ने कहां से खुशी का तरीका ढूंढा कि सब फायरिंग कर दो, गोलियां चला दो। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में जनाजों पर भी फायरिंग हुआ करेगी, ये देख लीजिएगा। कभी शादियों की वीडियो बनती थी तो लोग कहते थे थोड़ी देर ठहर जाओ, जनाजों की भी वीडियो बने। वो रिवाज जनाजों पे भी आ गया। अब जनाजा जनाजा नहीं उठता जब तक वीडियो वाला के जनाजा नहीं बना। कफन दफन नहीं होता जब तक वीडियो नहीं बनती। अंतिम चलेगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मामले का पता चला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शुक्र है हम लड़ाई को नहीं निकले, तो न जाने उधर से कितने मर जाते, इधर से कितने मर जाते। अब सिर्फ इसी एक बात को ले लें अगर आप और मैं, तो ईमान से सोचिए हमारे कितने मसले हल होते हैं। मुल्कों के कौमों के, और हम इंडिया पाकिस्तान वाले तो वैसे ही बेवकूफ हैं, उधर से मक्खी मरती है तो ये कहते हैं वो मार गए, इधर मरती है तो वो कहते हैं वो आए मार गए। इंडिया का अगर मीडिया सुनो तो सारा दिन उसको पाकिस्तान दुश्मन के खिलाफ कोई और बात ही नजर नहीं आती, कोई बात चलती चलती को बुढ़िया भी गिर गई तो कहते हैं कि आईएसआई वाले आए थे इसे धक्का दे गए वो गिर गए। और यही हाल हमारा, मुल्कों से निकल के अपनी कौमों में आ जाइए, अपने घर बार में आ जाइए, अपने बीवी बच्चों में आ जाइए, अपने ससुराल में आ जाइए, हत्ता के मस्जिदों में आ जाइए। कुरान की अगर इसी आयत को हम मद्देनजर रख लें कि इंजा आपको फासिकुन बेना बहन, अगर तुम्हारे पास को बंदा बात लेके आया है फतह भैया पहले उसकी तहकीक तो कर लो ये सच बोल रहा है कि जो बोल रहा है। हम कितनी बड़ी मुसीबतों से बच जाए। लेकिन सोचे कौन के जज्बात का जो तूफान है, गुस्से की जो आंधियां हमारे दिमाग में घूमती, जलाल गुरूर और तकब्बुर का जो एक तूफान हमारे अंदर मचा हुआ होता है, अपनी बढ़ाई और अपनी विडियाई का, वो एक लावा जो हमारे अंदर पका हुआ होता है, उसे थामे को ना मैं सोचता हूं ना आप सोचते हैं, ना हमारे मां बाप सोचते हैं, ना हमारे बड़े सोचते हैं, ना हमारे छोटे सोचते हैं। तीली लगाने वाला, आग लगाने वाला आके हमें खबर दे के चला गया, ना बहू ने सोचा, ना सास ने सोचा, ना ससुर ने सोचा, ना मियां ने सोचा, ना भाई ने सोचा, ना पड़ोसी ने सोचा, ना रिश्तेदार ने सोचा, ना कौम वाले ने सोचा, ना किसी मुल्क वाले ने सोचा। अब नतीजा क्या निकलेगा, तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। तीसरी चीज अल्लाह पाक ने इसी सूरत में बयान की, वाइन ताइफतान मिन अल्मुमिनीन, अगर मुसलमानों की दो जमातें एक ततलु आपस में लड़ पड़े,
तो दूसरे मुसलमानों को चाहिए कि इस मामले को जितना जल्दी हो नमेटने की कोशिश करें, इनकी सुलह होकर और सुने के बाद कई वक्त इहदा हुआ अलग उखरा, अगर एक सुने के बाद फिर अपनी जिद पे अड़ा रहा और उसने फिर इब्तिदा कर दी फितने की, तो अब सारे इससे लड़े जिसने इब्तिदा की। इसलिए कि जिरके की, पंचायत की, दूसरे मुसलमानों की ना मानने वाला बगावत का वो झंडा उठाता है, फितने का वो झंडा उठाता है कि जिससे बड़ा फितना और जिससे बड़ी बगावत हो। अब सबको चाहिए इससे लड़े जिसने सुनो के बाद फिर इब्तिदा। अब अगर ये फिर अपनी इस बात पे नादिम होता है, परेशान होता है, अफसोस करता है, तो कोई बात नहीं, फिर दोनों की जरूरत पड़ा। क्यों सुनो कर साथ ही कह दी कि अल्लाह सुलहों को पसंद करता है, अल्लाह सुलहों को, सुलहों का क्या माना होता है, मिलजुल के रहना, आपस में जोड़ पैदा करना, एक दूसरे की भलाई का सोचना, ये अल्लाह को पसंद है। और दूसरी बात ये साथ कहती कि इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, के ईमान वाले कलमा पढ़ने वाले चूंकि सारे भाई भाई, और कलमे का जो रिश्ता है ये खून के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता, याद रखिए, कलमे का जो रिश्ता है ये खून के रिश्ते से भी। अब अगर इस पर हर मुसलमान अगर अमल पैरा हो जाए तो हमारी बिरादरी से, हमारी गांव से, हमारी कौमों से, हमारे शहरों से कितने फितने खत्म हो सकते हैं। अब ये जो कुछ आजकल हमारे मुल्कों में हो रहा है, जो हम आपस में एक दूसरे को मारने में लगे, मफादात की जो ताकतें हैं उनका तो काम है कि इनको लड़ाओ, और हम अंधे जज्बात में आकर एक दूसरे को बंदूक उठाकर मारने में लगे थे। क्या आपके इतने बड़े मुल्क में, मेरे इतने बड़े मुल्क में वो चार बंदे भी ऐसे नहीं जो इन लोगों की सुनो कर। मुसलमान न सुलह कराने को तैयार होता है ना दूसरा किसी की मानने को तैयार होता है, उल्टा जो भी चाहे इस कुर्सी अदल पे बैठे हैं, जो इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं, वो जो कुछ आजकल उनके साथ हो रहा है वो भी आपके सामने, कि मैं जो कुछ कर रहा हूं मुझे रोकने वाला क्यों पैदा हुआ, मैं मारूं, मैं लूटूं, मैं रेप करूं, मैं किसी की इज्जत को तार तार करूं, कोई मुझे रोकने वाला ना, और लूट लूट कर बाहर के मुल्कों में अपने बैंक भर लूं, कोई मुझे कुछ कहने वाला ना, और अगर कोई कहेगा तो सबसे बड़ा बुरा आदमी है। सिर्फ ये बात उन बड़ों की भी नहीं है, ये आप और मैं भी जितने बैठे हैं अल्लाह के लिए नाराज नहीं होना। अगर आप और मैं अपने घरों के अंदर भी इस निजाम ही को जारी कर दें, देखिए हम कहने को तो कहते हैं कि हुकूमत क्यों नहीं ठीक करती, जब तक मैं अपने आप को ठीक नहीं करूंगा वो क्या करेगा, जब तक मैं चोरी से बाज नहीं आऊंगा वो क्या करेगा, जब तक मैं झूठी गवाहियों और झूठी कसमों से अपने आप को पाक और साफ नहीं करूंगा वो क्या करेंगे,
बल्कि आज हम सबका खून इतना सफेद हुआ हुआ है कि मैं खुद अपने आप को भी कहता हूं, हो सकता है मैं भी उस कुर्सी पर बैठा हुआ होता तो मैं भी ऐसी हूं, मैं भी ऐसी हूं, मैं भी वही कुछ करता जो कुछ वो कर रहे हैं। इसलिए कि मैं अगर अपने छोटे से एक घर को नहीं संभाल सकता, मैं अगर छोटे से इस चार फुट के अपने मुल्क को नहीं संभाल सकता, तो मैं इतने बड़े मुल्क को कैसे संभाल सकता। पहले आप अपने इस मुल्क से अपने आप को शुरू करिए। फिर एक घर का जो मेरा माहौल है, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं और दिल में होता है ये तो मुसलमान लड़ते हैं, मैं नमाज भी पढ़ता हूं तो सोचता हूं यार मैंने रिश्ता मांगा था मैंने नहीं दिया, अच्छा हुआ इसकी बेटी को तलाक हो गई। कल इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया था, अच्छा हुआ इसके साथ। और ये अगला खुदा एक दावा भी कर बैठता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से, अगर ये मेरे साथ ना करता तो इसके साथ ये ना होता, मेरी बद्दुआएं खा गई इसको। हम उससे भी आगे बढ़ जाते और ये कुलमे कुफर है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, करने वाली अल्लाह के साथ। मैं और आप ये दावा लेके बैठ जाए, मेरे दोस्तों आज हमारे घरों की बीमारी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हर बंदा तमाशाई बना, हर बंदा तमाशाई। वो किसी जमाने में वो डुगडुगिए वाले बड़े थोड़े होते थे, चौक में खड़े होते थे एक मालर को लेके और एक उसके साथ लड़का होता था जिसको वो कहता था बच्चा जमुना बता इस बंदे की जेब में क्या है। आज आप और मैं सारे के सारे मदारी हैं, डुगडुगिए हम सब की हाथ में है, हम बंदरों की बजाय इंसानों को नचाने में लगे। हर बंदा नाराज नहीं होना, मैं आप बात कर रहा हूं, मैं भी इसमें हूं, आप भी, मैं भी हूं, हर बड़ा छोटा। चौथी बात अल्लाह फरमाती है या अय्युहल लजीना आमनू व ईमान वालों, इसी बात सूरत में ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा ईमान वालों एक दूसरे का ठट्ठा और मजाक मत उड़ाया करो, क्या पता अल्लाह को वो तुमसे भी ज्यादा पसंद। तुम लिखवा के आए हो तुम अल्लाह को ज्यादा पसंद, तुम लिखवा के आए हो तुम अल्लाह के रिश्तेदार और महबूब हो। ये तो यहूदियों का दावा है कि हम अल्लाह के रिश्तेदार हैं। उलमा ने लिखा है कि कभी ये ठट्ठा मजाक जबान से भी होता है और कभी कभी आंखों के इशारों से भी होता है और कभी कभी अमल से भी होता है। एक ठट्ठे का माना है किसी को हकीर मत समझो, किसी को जलील मत समझो। एक सूरत है कुरान में जिसको सूरह मुनाफिकून कहा जाता है, 28वीं सिफारिश, उसमें एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं यकूलून लजर रजअना इलल मदीना लयुखरिजन अल अज मिनहा अल अजल। एक गजवे से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे, सहाबा भी साथ थे, तो रास्ते में अब्दुल्लाह इब्ने उबैद जो मुनाफिकों का सरदार था कहने लगा कि अभी मदीने जाकर इन सबको मदीने से निकालते हैं, ये सारे जलील लोग हैं, ये नंगे आए थे मक्के से और आकर मदीने के मालिक बन रहे हैं और अपने आप को बड़े इज्जतमंद समझ रहे हैं, सबको निकाल दूंगा इसलिए कि मैं इज्जत वाला हूं, ये जलील है। तो अल्लाह पाक ने फौरन इरशाद फरमाया वलिल्लाह इज्जत वाले रसूल ही वलिल मोमिनीन, इज्जत तो अल्लाह ने लिखी अपने लिए है या रसूल के लिए है या ईमान वालों के लिए।
वाला किन्नर मुनाफिकी न लाए कौन मुनाफिक जानते ही इज्जत होती क्या है। मैं दूसरे का मजाक उड़ाने लग जाऊं और मैं यूं समझूं कि मैं इज्जत वाला हूं, ये जलील है, ये समझते ही नहीं कि इज्जत कहते किसे, ये समझते ही नहीं इज्जत होती क्या चीज। खबरदार, किसी को खानदान के लिहाज से, किसी को उसके काम के लिहाज से, किसी को उसके जिस्मानी ऐब के लिहाज से, किसी को उसकी गुर्बत और फकीरी के लिहाज से अपने मजाक का निशाना न बनाना। और सियाने कहते हैं जो किसी पे हंसता है एक दिन उस पे हंसा जाता है, जो किसी का मजाक उड़ाता है एक दिन उसका मजाक होता है। और सियाने एक बात बड़ी अजीब कहते हैं, जो किसी के लिए गढ़ा खोदता है वो खुद उस गढ़े में गिरता है। या अय्युहल लज़ीना आमनू, ये आज हमारे मुआशरे की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब ये भी है कि मैं अपने आप को इज्जत वाला समझता हूं, मैं दूसरे को जलील समझता, मैं अपने आप को बड़ा समझता हूं दूसरे को कुछ नहीं समझता। ये तो हिंदू की बात है, वो अपने आप को कहता है मैं ब्राह्मण हूं, या तो कहता है मैं खत्री हूं, और जो गया गुजरा होता है बेचारा उसको कहा जाता है ये शौकर है, ये हकीर है, वो उसके कुएं से पानी भी नहीं पी सकता, वो उसके मंदिर में नहीं जा सकता जिस मंदिर में ब्राह्मण जाता, जिस मंदिर में खत्री जाता है उस मंदिर में शोदर नहीं जा सकता बेचारा, वो छोटी कौम है, जलील और हकीर कौम समझी जाती। जो किसी जमाने में साउथ अफ्रीका में या गोरों के मुल्कों में होता था कि जिस बस में गोरा बैठा है उस बस में काला नहीं बैठ सकता, जिस स्कूल में गोरे का बच्चा पढ़ता है उस स्कूल में काले का बच्चा नहीं पढ़ सकता, हत्ता कि जिस सड़क से गोरा गुजरता उस सड़क से काला नहीं गुजर सकता, जिस मोहल्ले में कोई गोरा रहता उस मोहल्ले में कोई काला नहीं रह सकता। और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के दिन काबे की छत पे हजरत बिलाल को चढ़ाकर क्यामत वाली उम्मत, क्यामत तक आने वाली उम्मत को बताया इस उम्मत में कोई काले गोरे की तमीज नहीं। हत्ता के हदीस में ऐसे अल्फाज भी तारीफ में मिलते हैं कि जब हजरत बिलाल काबे की छत पे चढ़े अजान कही तो कितने मुशरिकीन मक्का थे जिन्होंने जो कहा शुक्र है हमारे बाप दादा मर गए पहले, अगर वो आज देख लेते कि काला काबे की छत पे चढ़ा हुआ है तो देख ही मर जाते, पता नहीं उनके दिलों पे क्या गुजरते, शुक्र करके मर गए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काले रंग वाले को काबे की छत पे चढ़ाकर उम्मत को बताया कि इस इस्लाम के अंदर काला हो या गोरा हो मसला यहां का होता है कि जिसका ये अच्छा है वो काबे से भी अच्छा। नमाजों का कोई फायदा नहीं होता कि अगर मैं अपने दिल में इसी चीज को लाकर सब में खड़ा हूं कि मैं बड़ा हूं ये छोटा है, मैं फलाना हूं ये फलाना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर, मस्खरी करना इसका माना, जिसको मस्खरापन कहा जाता, जिसका माना उलमा ने मजाक को ठट्ठे से किया आसान यकून यकून खैर मिलना, क्या करना, बात तो भाई उसकी पसंद से निकलेगी, आपकी और मेरी पसंद से नहीं निकलेगी। कहते हैं ना कि किसी दुल्हन को बनाया संवारा जा रहा था मेकअप से और सोने के जेवरात से और कपड़ों से, तो जब दुल्हन को संवार लिया गया तो सहेलियां कहने लगी आज तो बहुत अच्छी लग रही है, तो बड़ी सियाणी को दुल्हन थी उसने कहा तुम्हारे कहने से बात नहीं बनेगी, बात तो जब बनेगी कि जिस बिया के घर जा रही हूं उसे अच्छी लग जाऊं।
ये दूसरों के देखने से अगर मैं अच्छी हूं, बात तो ये है कि उसके दिल को भा जाऊं। दुआ करो कि हम उसके दिल को भा जाए, दुआ करो कि हम उसकी अच्छा आंखों में जल जाए कि उसे अच्छे लग जाए। मेरे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, कितने फटे हुए लिबास वाले, कितने अंधोए अनहाए लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं कि अगर वो यूं कह दें कि ये पहाड़ चल रहा है, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह की कसम है अल्लाह उन पहाड़ों को भी चला देगा। सिर्फ ये नहीं देखा करो ये फटे हुए कपड़े पहने, सिर्फ ये मत देखा करो इस पांव जो इसके पांव में जूती नहीं है, इसकी सबकी टोपी टेढ़ी है, इसके कपड़े कैसे हैं, ये गरीब खानदान का है, ये जुलाहा है, ये कमी है, ये लोहार है, ये मोची है, क्या पता कि ये अल्लाह को इतना पसंद हो कि अगर ये कसम खाकर कह दे ये पहाड़ चल रहा है, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह की कसम है पहाड़ चलने लगता है। बात जब बनती है कि इंसान उसकी आंखों में जल जाए, अल्लाह करे ये बीमारी हमारे अंदर से निकले, आमीन कहो। आज जो हम सारे दुनिया में मार खा रहे हैं, जलील और रुस्वा हो रहे हैं, उस जिल्लत और रुस्वाई के बायस और असबाब कितने हैं, सारी यही चीज है। ये हमारे रुआसा, हमारे वजरा, हमारे सुदूर जो लोगों को मारने में लगे हुए हैं, ये नहीं सोचते कि हमने भी मारना है, मेरा भी तो नंबर आना है, मैंने कितने दिन बैठना है इस कुर्सी। वो लोग कहां गए जिन्होंने सारी दुनिया को फतेह किया, वो बंदे कहां गए जिन्होंने एक एक दिन में 15-15 लाख बंदों को जिबा कर दिया, आज उनकी कब्रों का नामो निशान नहीं पता, कब्रों के भी लोगों को नामो निशान का पता नहीं कहां। वो सिकंदर यूनानी जिसने सारी दुनिया को फतह किया, आज तक उसकी कब्र का पता नहीं कहां। वो हलाकू खान जो एक एक दिन में 5-5-10 लाख बंदों को जिबा करता हुआ चला गया, उसकी कब्र का ही पता नहीं वो कहां मरा। कभी इंसान कब्रिस्तान में जाके खड़ा हो जाए, वो शेर तो पंजाबी का है, मैं अपनी बात में नहीं जाता, उर्दू में उसका तर्जमा कर देता हूं कि कोई मां थी जिसके बेटे का नाम सिकंदर था, वो कब्रिस्तान में जोर जोर से आवाजें लगा के कह रही थी कि मेरे बेटे सिकंदर की कब्र कहां है। तो किसी अकलमंद सुनने वाले ने कहा था, अम्मा यहां सारे सिकंदर सोए पड़े हैं, सिर्फ तेरा सिकंदर नहीं है जिसे ढूंढ रही है, ये सारे अपने अपने वक्त के सिकंदर थे, कोई अपने इल्म का सिकंदर था, कोई पैसे का सिकंदर था, कोई गुरूर और तकब्बुर का सिकंदर था, कोई आल औलाद और खानदान का सिकंदर था, कोई जमीनों और मुरब्बों का सिकंदर था, कोई बड़े बड़े बैंक बैलेंस और कारों और गाड़ियों का सिकंदर था, कहां गए, सबको मट्टी खा गई। और भाई अब तो हफ्ता 10 दिन के बाद भी अगर कब्र को उखाड़ लो तो अंदर से कुछ निकलता ही नहीं है, वो जमाने चले गए, वो लोग भी चले गए जो सैकड़ों सालों के बाद भी कब्र के अंदर महफूज पड़े हुए होते थे। मुझे आज भी याद है हमारे इलाके का एक बड़ा नवाब खान मरा, तो जैसे ही उसको कब्र में रखा, कब्र बैठ गई, दूसरी कब्र खोदी निकाल के उसको रखा, फिर वो भी बैठ गई, तीसरी कब्र पक्की ईंटों की बनाई, फिर अंदर रखा वो बैठ गए, चौथी कब्र ईंटों की बना के सीमेंट लगा के उसके ऊपर चबूतरा बनाया उसके अंदर रखा वो भी बैठ गए, पांचवी कब्र संगमरमर के पत्थरों से बनाई उसके अंदर रखा वो भी बैठ गए, छठी कब्र बनाने वालों ने नहीं बनाई, सारे वो
दफन करने वाले लोग मेरे अब्बा जी के पास आए कि हाजी साहब मौलाना उस्ताद जी बताए क्या करें। कहा बाबा गड़ा खोद के दबा दो। ये वो जालिम था जिसको अल्लाह की जमीन भी कबूल करने को तैयार नहीं। ये बढ़ाई सिर्फ उसी को सकती है वो बड़ा है। हजार बार सारा दिन उसकी बढ़ाई का ऐलान करो वो करवाता है और वो खुश होता है कि मैं बड़ा हूं। और जिस दिन आपने और मैंने अपने आप को बड़ा बनाना शुरू कर दिया मेरे दोस्तों तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं रहेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू व ईमान वालो ला यस्खर, ना मस्खरा करो ना मजाक उड़ाओ। कौमुन मिन कौमिन असा एक दूसरे का क्या पता, अन यकूनू खैरन मिनहुम अल्लाह के हम तुमसे अच्छा। और यहां कौम कहा है, ला यस्खर कौम मिन कौम नासा एक दूसरे को, मर्दों को खिताब यहां कौम कहा, आगे औरतों को खिताब है, वला निसा मिन निसा नासा अन यकुन खैर मिन, वहां कौम का लफ्ज नहीं कहा, वहां सिर्फ सीधा औरतों से कहा खबरदार तुम्हारे अंदर ये ज्यादा बीमारी। दूसरे के कपड़े देखे तो मजाक उड़ा दिया, उसके दुपट्टे को देखा तो मजाक उड़ा दिया, बुरके को देखा तो मजाक उड़ा दिया। तुमने एक दूसरे को औरतें ज्यादा मजाक उड़ाती हैं एक दूसरे, अपने जेवर दिखाती रह जाती हो वह जगह, खबरदार क्या पता अल्लाह को वो तुमसे ज्यादा पसंद। उलमा ने लिखा है यहां कौम का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, वहां कोई लफ्ज अल्लाह पाक ने नहीं फरमाया, जिससे मालूम होता है कि कौम सिर्फ मर्दों की। इसी से इस्लाम ने खानदान को चलाया है और कौम खानदान का नाम, खानदान मर्द से चलता है, इस्लाम में औरतें नहीं चलती। ये यहूदियों में है जो औरत से चलता है, सिवाय इस्लाम में एक मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है जो आपकी बेटी हजरत फातिमा से चला रहे। आपका तो बेटा ही कोई नहीं था जो बड़ा हुआ जिससे आपकी नस्ल आगे चली। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए, जिनकी रही तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की बातें आइंदा जुमा आखिर दामाना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर दोस्तों एक तो रमजान मुबारक आने वाला